मेवात जिले में जहां शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसे में मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में आकेड़ा चौकी प्रभारी एसआई कृष्ण कुमार की अगुवाई में चौकी अंतर्गत गांव मेली कोटला इत्यादि अन्य गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा जहां सख्त पहरा दिया जा रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव होने के बाद में कुछ गांवों में चुटपुट घटनाएं डीजे वगैरह बजाने पर हुई थी। चौकी प्रभारी एसआई कृष्ण कुमार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी भी सरपंच द्वारा किसी पार्टी द्वारा अगर झगड़ा किया गया तो उसी पार्टी का कैंडिडेट सरपंच मुकदमे में सबसे पहले नामजद किया जाएगा। मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला की टीम लगातार जहां शांति की अपील करती नजर आ रही है, ऐसे में मेली गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हुए झगड़े में एक लड़के की मौत के बाद में जो गांव में संपूर्ण तरीके से तनाव था, ऐसे में चौकी प्रभारी एसआई कृष्ण कुमार की टीम द्वारा खुद मौके पर जाकर जहां संपूर्ण तरीके से शांति बनाने की अपील की, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के पुलिस द्वारा मामले दर्ज कर लिए गए हैं। वही मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा बार बार दबिश दी जा रही है, लेकिन मेवली गांव के सभी आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। चौकी परिसर में आए मेवली गांव से मृतक लड़के के परिवार से आए व्यक्तियों ने जहां चौकी प्रभारी एसआई कृष्ण कुमार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वोटिंग वाले दिन सारे दिन एसआई कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ जहां मुस्तैद तरीके से पोलिंग बूथ पर नजर आए, ऐसे में उन्होंने कहा कि अब उन्होंने आशा जताई है कि मेवात के पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। क्या नाम है जी आपका? जमील है मेरा नाम। जमील, गांव कौन सा है? मेवली। वही सरपंच के भाई। तो जमील, आज आप चौकी आए हैं, किस सिलसिले में आए? इस सिलसिले में आए जी, हमारे खिलाफ ताकि पार्टी की एमएलआर फर्जी कटी हुई है, चौकी मंडी खेड़ा, और हमारा इंचार्ज के पास हम आया है, ईमानदार आदमी है, और हमारी फ्रीडम मान ले फर्जी जो एमएलआर कटिया ये हमारे खिलाफ कैंसिल होनी चाहिए। फर्जी एमएलआर किसने कटवाई? कौन सा पार्टी? साकिर पार्टी ने। साकिर पार्टी ने आप लोगों के खिलाफ? हाँ जी, वही पार्टी के खिलाफ कटवा। तो जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से, परिवार में से, घर में से। परिवार में से, तो उसमें किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? उसमें कोई गिरफ्तारी ना हो किसी की। अच्छा, कोई गिरफ्तारी? क्या चाहते हो आप, यानी कि ये चाहते हैं कि हमारा मुकदमा जो मान लिया हमारे खिलाफ षडयंत्र रचाया गया है, झूठा ये 584 नंबर एफआईआर है जो आपके खिलाफ दर्ज की गई है। हाँ, और आपकी कितने नंबर एफआईआर? 584। आपकी 583 है। हाँ, उन्होंने 584 दर्ज कराई है। हाँ जी, साकिर। तो एक मामला आ रहा था कोई फर्जी एमएलआर का, क्या मामला आ रहा था वो सामने? वो सामने आ रहा है इनके कोई किसी ने नहीं हमारी तरफ से कोई बिंदु चली ना, पत्थर चला ना, लाठी चली ना, और इन्हें वोटिंग के बाद में धारणा के बाद में षडयंत्र रचा के जंगल में ले जाके छर्रा मार के और फिर इन्हें डॉक्टर साजबाजी करके कटवाई। मांडीखेड़ा। अच्छा, मांडीखेड़ा में जाके एमएलआर कटवाई? हाँ जी, कटवी थी सीएससी में हमारे नौ में, और भी हमारी कटी है 12 बजे 11 के बीच में, इनकी कटी है 5 बजे शाम को। इन्होंने शाम को कटवाई है? पाँच को दिखाई है। कोई झगड़ा ना हुआ, हमारा इंचार्ज वह वक्त 1 बजे 12 बजे मौका पे रहा है बूथ पे। अच्छा, और ये उस टाइम को झगड़ा बता रहे हैं भाई, उस टाइम मान लिया हमारे लगी है, हमने एमएलआर कटवाई है। तुम ही तो ये बोल रहे थे कि भाई जो जब इंचार्ज वहाँ गया था भाई, इंचार्ज ने झगड़ा करवाया है? नहीं, तुम्हारी पार्टी से नहीं, नहीं, वो हमारा वो भाई है ना, वो खिलाफ होएगा, कोई खिलाफ होएगा जिसके गोली लगी है वो हमारे तरफ ना हो। अच्छा, हमारी तरफ कोई ऐसा नहीं हो। इंचार्ज बढ़िया आदमी है, हम कह रहे हैं ईमानदार है, 1 रुपया नहीं लेता किसी से, ईमानदारी से काम करता है। तो लास्ट में आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे पुलिस को? ये उम्मीद करना चाहता है हमारा मुकदमा कैंसिल करा जाए जो नकली है, और इनके पर तेजी कार्रवाई करी जाए जिसमें डेथ हुई है, और इंचार्ज साहब से भी और अपने इंस्पेक्टर से भी ये ऊपर एसपी के बताई जाए।